नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तितली और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी तितली में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि देवों के देव महादेव के पास दो नहीं बल्कि तीन आंखें हैं। मान्यता के अनुसार वह अपनी तीसरी आंख का प्रयोग तब करते हैं जब सृष्टि का विनाश करना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को अपनी तीसरी आंख कैसे मिली थी? इस रहस्य को जानने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार हिमालय पर्वत पर भगवान शिव ने एक सभा बुलाई जिसमें सभी देवी देवता और ऋषि मुनि उपस्थित हुए। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की दोनों आंखों को ढक दिया। माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव की आंखों को ढका, संसार में तुरंत ही अंधेरा छा गया। समस्त संसार में त्राही त्राही मच गई। ऐसा लगने लगा जैसे सूर्य देव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। संसार की यह दशा भगवान शिव से देखी नहीं गई और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया जिसमें करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान तेज था, जो भगवान की तीसरी आंख बना। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने बताया कि अगर वह ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार है। भगवान शिव की दृष्टि से कोई भी काल, भूत, भविष्य और वर्तमान अछूता नहीं है। उनकी दृष्टि सभी पर है, इसीलिए तो वे त्रिकालदर्शी भी हैं। महाभारत के छठे खंड के अनुशासन पर्व में भगवान शिव के त्रिनेत्र के रहस्य के बारे में बताया गया है। दोस्तों, त्रिनेत्रधारी भगवान भोलेनाथ जितने अधिक सौम्य स्वभाव के हैं, उतने ही उग्र भी। संसार की रक्षा के लिए उन्होंने समय समय पर अपने इसी तीसरे नेत्र के तेज से कई असुरों को भस्म भी किया है। तो यह थी त्रिनेत्रधारी भगवान भोलेनाथ से जुड़ी एक रोचक कथा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक कथाओं का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ। जय भोलेनाथ।